आपके भी जब भी आप गर्मी मेकअप करते हैं तो आपका भी मेकअप पानी डलने के बाद या पसीना आने के बाद ख़राब हो जाता है, तो आपसे नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पानी डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेकअप आपका ख़राब होता है कि नहीं होता। तो चलिए मेकअप यहाँ पे देखते हैं कि मेकअप कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र बहुत सारे मेरे पास में है, पॉन्ड्स का है, लैक्मी का है, लैक्मी पीच मिल्क है। सो यहाँ पे हम लैक्मी पीच मिल्क लगाएंगे। मेरे पास इसका छोटा डिब्बा भी है बट मैंने अभी ये मेरे हाथ में ये आ गया, तो मैंने इसको अभी यहाँ पे अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। फेस आपका एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर दो बिंदी मैं हटाना भूल गई थी तो बिंदी मैं यहाँ पे हटा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया। मॉइस्चराइज़र कोई सा भी लगा लीजिए, ठीक है, बस माइल्ड होना चाहिए। आप चाहो तो जेल वाला भी लगा सकते हो। मैंने जेल वाला नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पे लैक्मी का मॉइस्चराइज़र पीच मिल्क लगाया है। तो अच्छे से आप अपने पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा ले, गले में भी लगा लीजिए। बट यहाँ पे मैंने गले में नहीं लगाया है क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा काम करना था, तो मैंने सिर्फ वीडियो के लिए बनाया मैंने यहाँ पे अभी। तो उसके बाद हमें लगाना है फाउंडेशन। फाउंडेशन अभी मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो पैन के भी यूज़ कर सकते हो। बट जब आप गर्मी वाला मेकअप कर रहे हो ना, तो आप इसमें लिक्विड वाला फाउंडेशन लगाओ, आप पैन केक मत लगाइएगा, बिकॉज गर्मी के टाइम में फिर वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो यहाँ पे पैन केक मना लगा के आप यहाँ पे लैक्मे का मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए लिक्विड वाला। ध्यान रहे कि आप लोकल सामान ना यूज़ किया कीजिए। थोड़ा सा एक बार, एक से दो बार आप थोड़ा पैसा खर्चा कर लो, बट बहुत अच्छा टाइम तक चलता है अगर आप बहुत कम मेकअप करते हो तो। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैंने कर लिया है, ब्रश मैंने यूज़ नहीं किया है। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे अच्छे से आप इसको डैप 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 करके लगा लीजिएगा। याद रहे कि मैंने गले पे मैंने नहीं लगाया, इसलिए मैं गले के पास का आपको मेकअप नहीं शो कर रही हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि यार देखो सिर्फ मुँह पे मेकअप किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको आपको लगा लेना है जैसा कि मैं लगा रही हूँ। एंड वन चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ब्यूटी ब्लेंडर आपका अगर गंदा है तो प्लीज़ उसको ऐसे फेस पे ना लगाया करें, ब्यूटी ब्लेंडर को आप साफ़ कर लिया कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा ब्यूटी ब्लेंडर ठीक ठाक था, अभी उतना गंदा नहीं हुआ था, इसलिए मैं उसको लगा रही उससे लगा रही थी। देन आफ्टर यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्ट मेरे पास मेबलिन का ही है, इससे पहले भी मेरे मेबलिन का ही था तो वो टूट गया था, और दो से तीन बार गिरने के बाद वो इतना चूर हो गया कि कुछ बचा नहीं। देन फिर मैंने मेबलिन का लाई हूँ। मैं मेबलिन या फिर लैक्मे का दो यूज़ करती, बाकी कोई और नहीं। तो यहाँ पे जो मेरा मेकअप ब्रश है ना, तो ये अभी मैं दूसरा वाला लेके आई हूँ जिसमें फ़िश वाला है, अच्छा लग रहा था देखने में। तो उसमें स्पंज था बट उस स्पंज से ना लगा के मैंने सोचा चलो इसकी शुरुआत भी कर लेते, तो मैंने इससे लगाया। तो आपको एकदम अच्छे से लगा लेना है पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर को, कहीं भी आपका छूटने ना हो। तो और इसमें एक चीज़ आप देखते होंगे कि इसमें मैंने कंसीलर नहीं लगाया, इसमें मैंने प्राइमर नहीं लगाया, तो इसमें ज़रूरत नहीं है अगर आप चाहते हो गर्मियों के लिए। तो यहाँ पर मैं काजल लगा रही हूँ, काजल आप कोई भी कलर का लगा लो, मैं अभी ब्लैक कलर का काजल लगाऊंगी एलेटीन का। तो हाँ मैं बता दी कि कंसीलर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका फाउंडेशन सही, बस फाउंडेशन लगाने का तरीका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे काजल लगाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि डायरेक्ट मैं मोबाइल में ही देख के लगा रही थी, अलग से अगर मैं मिरर पकड़ के लगाती तो वो सही रहता। बट कोई बात नहीं, काजल सही सलामत यहाँ पे लग गया है, अच्छे से लग गया है। एंड मैं यहाँ पे आईलाइनर नहीं लगाऊंगी क्योंकि कुछ दिन पहले अभी मेरे आँखों में से इन्फेक्शन ख़त्म हुआ है, तो आईलाइनर क्या होता है कहीं ना कहीं मेरी आँखों में लग जाता है। और काजल भी मैं लिक्विड वाला ही लगाती थी तो वो मेरी आँखों में लग जाता था, बट इसलिए मैं लिक्विड वाला काजल नहीं लगा रही हूँ, है मेरे पास में। तो यहाँ पे काजल मेरा लग गया है जितना मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पे काजल के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे आई शेडो। एंड आई शेडो पैलेट मेरे पास है, दो तीन पैलेट है, बट इसमें कलर क्या है थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इससे लगा रही हूँ। तो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मैंने ड्रेस के अकॉर्डिंग तो चूज़ नहीं किया है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ पिंक लगाया है, पिंक एंड उसके ऊपर मैं गोल्डन शेड दूंगी। तो ये मेकअप ब्रश में तो बहुत प्यारे मेकअप ब्रश लग रहे थे ये वाले पिंक पिंक। तो यहाँ पे आप अच्छे से अपने आईलिड के ऊपर अच्छे से आप घुमा घुमा के लगाई कीजिए। बहुत से लोग मतलब बड़े अजीब तरीके से लगाते हैं, उसके बाद फिर वो फटाफटा से दिखता है, इसलिए आप एकदम घुमा घुमा के इसको लगाइए ताकि आपका जो आप जो आई शेडो लगा रहे हो थोड़ा सा इन्हांस होके दिखे वो। एंड गर्मियों में ही बहुत लाइट वाइट यूज़ किया कीजिए, बहुत डार्क शेड मत यूज़ कीजिएगा बिकॉज बहुत ओवर दिखेगा। एंड ये एक तरह का वाटरप्रूफ है जैसा कि मैं आपको आगे भी शो करूँगी। तो यहाँ पे आई शेडो अच्छे से आपको लगाना है। तो यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने जैसा बताया कि आपको
इस पर गोल्डन वाले लगाना है। तो यहाँ पे आई शेडो लग गया है। अब भाई आईब्रो तो है नहीं मेरी, अब जो भी है थोड़ा सा उसको मतलब मैंने कलर किया है, मतलब आईब्रो पेंसिल से मैंने उसको कलर कर रही हूँ, कलर क्या उस पर थोड़ा सा लगा रही हूँ, तो ब्लैक कलर का लगाऊंगी। ऐसे तो आईब्रोज़ याद ग्रोथ करने का मुझे कुछ तरीका बताओ, पता नहीं हो ही नहीं रहा है। और जब कभी पार्लर जाती हूँ ना 5-6 महीने बाद, तो कहते हैं आपके तो बाल ही नहीं है। मैंने कही जो भी है बस यही है, तो आगे थोड़े बहुत जो बाल होते हैं वो मैं हटवा देती हूँ बस, और कुछ नहीं, क्योंकि है नहीं। और फिर बहुत अजीब सा लगता है कि थोड़े बहुत भी ख़राब से लगते हैं। फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगी हाईलाइटर। हाईलाइटर की आपको नीड नहीं है, बट दिन का फंक्शन है तो बहुत हल्का लगाइएगा, और रात का है तो थोड़ा सा ज़्यादा, बस बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना लगाए। तो यहाँ पे आपको हाईलाइटर लगा लेना है। मेरे पास यहाँ पे गोल्डन एंड सिल्वर दोनों में है, पर एक ही में मतलब पेन जैसा है, तो मैंने सिल्वर वाला यहाँ पे लगाया है। देन आफ्टर यहाँ पे मैं अपनी लिपस्टिक लगा लूँगी। लिपस्टिक यहाँ पे मैं रेड लगा रही हूँ जो कि लैक्मे का है। मैं बार बार कहना चाहूँगी इस चीज़ को कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो सही होना चाहिए, डुप्लीकेट मत लीजिएगा, बहुत एक्सपायर वाला मत लीजिएगा। कुछ लोग कम पैसे के कारण तो नहीं, थोड़ा कम खरीदो मगर अच्छे से खरीदो। और यहाँ पे फिर बस मैंने बिंदी लगा ली है, और अब यहाँ पे मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कानों में मैंने अपने झुमके बालियाँ जो कह सकती हूँ इयरिंग मैंने डाल दी है, और बालों में ऑयल लगा था इसलिए थोड़ा सा चंपू टाइप का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। तो आप भी इस तरह का मेकअप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो गर्मियों के लिए। एंड इस पर मैं अब लगाऊंगी स्प्रे, जिसे हम मेकअप सेटिंग कहते हैं, जिस पर हम मेकअप सेट जिससे हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने आप को स्प्रे मतलब अपने फेस पे स्प्रे डालूंगी, और थोड़ा सा दूर से डाला कीजिए, पास से बिल्कुल भी डाला कीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे भी गलती कर दी। और देख सकते हो कि मेरे आईब्रोज़ के ऊपर पानी इसका आ गया है, बट कोई बात नहीं, आप उसको ज़्यादा पोंछिएगा नहीं, वो खुद ही सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़ैन चल रहा है, बट फिर भी मैंने अपने दुपट्टे से थोड़ा सा हवा कर लूँ। और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि बस सेट हो गया है। देन आफ्टर मैं आपको इसको पानी डाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि पानी में आपको मतलब प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि आपका मेकअप जैसा का तैसा ही रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और यहाँ से मैं कोई उठ के भी नहीं जा रही हूँ कि हाँ अलग सा फेस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से मेकअप कीजिए और आप अपने मेकअप को चेक करके देखिए, मेकअप आपका जैसे का तैसा ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा मेकअप आप भी कीजिए कहीं अगर जा रहे हो गर्मी में। बस फाउंडेशन जो है लैक्मे का यूज़ कीजिए या कोई भी यूज़ कीजिए, सही यूज़ कीजिए, बस डुप्लीकेट मत यूज़ कीजिएगा, एक्सपायर मत कीजिएगा, क्योंकि स्किन हमारी सेंसिटिव होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। एंड इस तरह की अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।